हेलो गाइस, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड असिस्टेंट टीचर की सैलरी स्लिप पर बातें करेंगे। आपकी सैलरी कितनी रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी और रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी, स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाऊंगा और आपकी सैलरी स्लिप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ओपन करता चलूँगा किस साल में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, सभी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है गाइज, सपोज करो आपका यहाँ पर एज ई असिस्टेंट टीचर सेलेक्शन हुआ है और पहले महीने की सैलरी आपकी कितनी होगी और प्रमोशन कैसे होगा, इंक्रीमेंट कैसे होगा, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे जो सैलरी है जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है लेवल 6 इन द 7 CPC और पे मैट्रिक्स 35,400 1,25,400, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं कि हमारी सैलरी क्या है? देखो यहाँ पे कई तरीके हैं सैलरी बोलने के, उन्होंने सब कुछ इस पूरी लैंग्वेज में दिया है, लेकिन आप यहाँ पे अपनी सैलरी बोल सकते हो पे बैंड मेरा 9,300 है, या फिर आप बोल सकते हो मेरी एंट्री लेवल सैलरी 13,500 है, या फिर आप बोल सकते हो मेरा GP यानी ग्रेड पे 4,200 है, या फिर आप बोल सकते हो मेरा लेवल 6 की सैलरी मुझे मिलती है। और गाइज, जब आप एक गवर्नमेंट में सिलेक्शन होते हो तो आपका 40 ईयर तक आपका इंक्रीमेंट होता है, कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे समझो स्टार्टिंग सैलरी, फिर इंक्रीमेंट के बाद हम चलेंगे 40 ईयर की सैलरी पे, 40 साल बाद आपकी कितनी सैलरी देगी। 40 साल बाद आप समझ रहे हो ना, जब पेट्रोल की कीमत 1,000 रुपये लीटर हो जाएगी, जब 40 यानी 2,000 रुपये लीटर भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब बेसिक पे मिलेगी, देखो दिल्ली की अलग बात है, अगर अदर सिटी में आप जाते हो उसकी अलग बात है, तो मैंने यहाँ पे सभी दिल्ली के अलाउंसेस काउंट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक पे। बेसिक पे जैसे नोटिफिकेशन में लिखा है 35,400 रुपये से स्टार्टिंग हुआ। गाइज, ये आपका बेसिक पे है, 35,400 रुपये बेसिक पे मिलेगा। इसमें आप डियरनेस अलाउंस जो रहता है आपका 38% ऑफ बेसिक पे, यानी 35,400 का 38% कितना हुआ, 13,552 रुपये। ठीक है, HRA आपको मिलेगा 27%। गाइज, HRA कैसे मिलता है? HRA ऐसे मिलता है, XYZ आप 3 सिटी काउंट कर सकते हो। एक्स सिटी वो होती है जिसमें 50 लाख पॉपुलेशन यानी 50 लाख जनसंख्या से ज्यादा वाला शहर है, तो वो होती है एक्स सिटी में आते हैं। यहाँ पे दिल्ली जो है एक्स कैटेगरी की सिटी में आता है। ठीक है, इसका आप 27% लगा लो, यानी बेसिक पे का 35,400 का 27% हुआ 9,558 रुपये, और आपका जो TA हुआ ट्रेवलिंग अलाउंस हुआ 4,968 रुपये, टोटल आपकी ग्रोस सैलरी बैठगी 63,778 रुपये। ये आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन के बाद मिलेगी, लेकिन ये आपकी ग्रोस सैलरी है। इसमें 10,000 रुपये और आप डिडक्शन कर लो, जो भी आपका मेडिकल का रहेगा, इनकम टैक्स का रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिडक्शन होता है, तो लमसम आपको 50 से 55 हज़ार के बीच सैलरी मिल सकती है स्टार्टिंग सैलरी। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इंक्रीमेंट की। गाइज, इनका इंक्रीमेंट होता कैसे है? देखो पहले हम प्रमोशन की बात करेंगे। गाइज, पहला प्रमोशन आपका लगेगा 3 साल के बाद, दूसरा प्रमोशन फिर लगेगा 3 साल के बाद, तीसरा प्रमोशन फिर लगेगा 3 साल के बाद, चौथा प्रमोशन लगेगा आपका 5 साल के बाद, 9 और 5 यहां पे हो गए आपके 14। ये लो 14 ईयर के बाद आपका कोई प्रमोशन नहीं लगेगा, आपकी जो सैलरी है उसका इंक्रीमेंट होगा कुल। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होगा? देखो यहाँ पे सिर्फ बढ़ेगा आपका बेसिक पे, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा। बेसिक पे से आप अंदाजा लगा लेना क्या रहेगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो 35,400 प्लस के आपका यहाँ पे 1,100 रुपये बढ़ेगा, 1,100 रुपये यहाँ पे सिर्फ 3 साल तक बढ़ेगा, तो 35,400 प्लस के 1,100 यहाँ पे वो आपका 0,056,36,500। फिर आप 11 से यहाँ पे बढ़ा लो, ठीक है, 0,06,73 ये हो गया आपका 37,600। जब यहाँ पे 1,100 बढ़ेगा तो 38,700 के बाद फिर बढ़ेगा आपका 1,200, 3 साल तक फिर बढ़ेगा 1,200,
फिर बढ़ेगा ऐसे, फिर 5 साल बाद बढ़ेगा, लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 1,24,000 रुपए। ऐसे बढ़ बढ़ के 40 साल तक, यानी जब आप यहाँ पे 39 ईयर का आपको 40 ईयर का इंक्रीमेंट मिलेगा, वो समथिंग आपको 12,000 समथिंग आपका इंक्रीमेंट होगा। और 12,000 समथिंग इंक्रीमेंट लग के आपकी जो सैलरी बनेगी 1,24,400 सैलरी बनेगी आपकी बेसिक सैलरी। और गाइज यहाँ पे जो आपका डीए बनेगा इसका 38% 47,000 डीए आपका बनेगा डियरनेस अलाउंस। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट है हंसोगे जरूर, गाइज मैं बात कर रहा हूँ 40 साल बाद जब आपका पेट्रोल हो जाएगा 2 या 3 हजार रुपये लीटर, और गाइज सभी चीज महंगी हो जाएगी जब आलू यहाँ पे हो जाएंगे 400 रुपये केजी, जबकि मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हंसना नहीं है, 47,000 रुपये आपका डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ठीक है। 33,588 रुपये आपको मिलेगा गाइज इसका एचआरए 27%, इसका 27%, ठीक है। अब पीए का मैं श्योर नहीं हूं ट्रेवलिंग अलाउंस कितना देंगे, क्योंकि वो उन पे डिपेंड करता है। तो सैलरी हो जाएगी यहाँ पे 2 लाख अबाउ। अब 2 लाख अबाउ में टैक्स वैक्स काट के सब कुछ खत्म करके तो आपकी सैलरी आएगी आपके अकाउंट में करीबन 1,70,000 के आसपास। और गाइज ये है पूरी डिटेल सैलरी की, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।